मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ भाजपा सरकार प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रही है। जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि 150 से अधिक सीटों से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनाकर शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का भी दावा कर रही। इसी के चलते प्रदेश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का रविवार को बदनावर विधानसभा के ग्राम धारसीखेड़ा में प्रवेश हुआ। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश यात्रा का जोरदार स्वागत किया। भैसूला में रथ सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को कांतिलाल भूरिया एवं बाल मुकुंद सिंह गौतम ने संबोधित किया। रथ में उमंग सिंगार, जिलाध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार एवं विक्रांत भूरिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बाद में सैकड़ों वाहनों के काफिलों के साथ जन आक्रोश यात्रा बदनावर पहुंची है, जो नगर के मुख्य मार्ग से होकर बस स्टैंड पहुंची, जहां सभा हुई है। सभा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांतिलाल भूरिया ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज भगवान को चढ़ने वाली प्रसाद भी खुद खा जाते हैं, तो वही मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, सिर्फ कलेक्टर एसपी ही बचे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया और पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने भाजपा सरकार को लेकर क्या कुछ कहा। आप भी देखिए, धार से जितेंद्र वर्मा की यह रिपोर्ट। सरकार भाजपा की है, लगता भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे, सिर्फ एसपी और कलेक्टर रह गए। तो ये मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया है कि प्रदेश की हवा और कुछ है। जब सरकार के लोग कलेक्टर एसपी पर भरोसे पे हो जाए कोई पार्टी, तो ये समझ लो कि उस प्रदेश से सरकार जा रही है, ये सबसे बड़ा हिट है। प्रसाद तो भगवान को चढ़ाने की बजाय गिरनी है और प्रसाद खा जाता, ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश का बना है। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार जब जब यहाँ रही, तब आपने देखा यहाँ पर विकास की गंगा बही, बड़े बड़े तालाब बनाए, बड़े बड़े स्टेडियम बनाए, सड़कें बनाई और कई काम बड़े बड़े हुए। बड़े बड़े स्कूल बंद हो गए, बड़े बड़े संस्थान भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिए। यह हालत आज कर दी प्रदेश की। तो साथियों, आप इस बात को जाने कि आज पूरे प्रदेश की हालत खराब है और किसान हमारे परेशान है। जैसे पहले सूखा हुआ, फिर अतिवृष्टि होने से फसल बर्बाद हो गई। पहले ही समझ चाहते हैं पूरे मध्य प्रदेश के पुलिस सारे कर्मचारी इस बार कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो इनको पेंशन देने वाली है। पेंशन कौन देगा? कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी देगी। और ये हमारी बात नहीं है, ये किसानों की भी बात है। आज मैं बताता हूँ कितने लोग यहाँ पर किसान है, जरा हाथ उठाकर बताओ। सब लोग